हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपने फ्लाइंग टैक्सी के बारे में सुना ही होगा। हाँ दोस्तों, काफ़ी साल पहले मैंने भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था। मैंने बताया था कि एलन मस्क ने या फिर किसी ने, तो मैंने बताया था कि एक फ्लाइंग टैक्सी पेटेंट निकला है जो बिल्कुल हवा में आराम से उड़ सकती है, उसकी स्पीड भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें मैंने पहले एक बताई थी, लेकिन अभी ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली हो चुकी है दुबई में। हाँ दोस्तों, आप भी देखकर चौंक जाएंगे। तो मैंने जब इसको देखा और इसके बारे में पढ़ा तो मैं भी शॉक हो गया था। तो वीडियो एंड तक देखना ज़रूर। मैं आपको फ्लाइंग टैक्सी के बारे में बताने वाला हूँ और ये ऑफिशियली है अभी, मतलब इसको टेस्ट भी किया जा रहा है और बहुत ही, मतलब ये टेस्ट में बिल्कुल पास हो चुकी थी। तो हाँ, ये चीज़ें आपको बताऊँगा। वीडियो एंड तक देखना ज़रूर, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ यार, इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाता हूँ, प्लीज़ लाइक नहीं करते तो फटाफट से लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट लगते हैं 50 लाइक्स। हाँ, 50 ही बहुत होते हैं, तो 50 लाइक्स कर देना प्लीज़। तो चलो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो एक कंपनी है जिसका नाम है एक्सपेंग एरो HT। हाँ दोस्तों, ये कंपनी है। तो इस कंपनी ने अपना एक एक्सपेंग X2 ये जो नाम का एक मॉडल है, जो फ्लाइंग टैक्सी है, वो उनका उन्होंने एक पेटेंट बनाया है। और ये जो पेटेंट है वो पब्लिक टेस्ट कर रहे थे दुबई में। हाँ दोस्तों, ये कंपनी जो है वो चाइना बेस्ड है, लेकिन वो दुबई में अपना जो टेस्ट है वो कर रहे थे, पब्लिक टेस्ट। इसके सामने करीब करीब 150 के आसपास लोग खड़े थे और वो भी देख रहे थे। तो इस जो भी फ्लाइंग टैक्सी है, उन्होंने बिल्कुल आराम से टेक ऑफ किया और एक राउंड भी मारा और आराम से आकर उसने एक लैंडिंग भी कर दिया आराम से। तो लोगों को भी लगा कि ये पूरा सेफ है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी ये पसंद आया वहाँ पर। और देखा जाए तो चाइना बेस्ड ऐसी कंपनी जो है वो काफ़ी सारी होती है और वही चीज़ें ऐसी करती है। तो फ्लाइंग टैक्सी जो है वो इस बार पहली बार जो है वो सक्सेसफुल हुई है, मतलब उड़कर और नीचे लैंड होने तक। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। और इनको जो है स्पेशल नाम होता है, तो वो नाम शायद मैं भूल गया, EVOTL कुछ तो है, तो मैं स्क्रीन पर देता हूँ। तो इन जो फ्लाइंग टैक्सीज है उनको ये कहा जाता है। हाँ दोस्तों, तो ये चीज़ है, ये पब्लिक टेस्ट जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और ये जो फ्लाइंग टैक्सी जो भी उन्होंने बनाई है, वो सिर्फ छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गया या फिर आपको अर्जेंटली कहीं पर जाना है या फिर कोई भी कुछ काम हो, जैसे कि मेन गवर्नमेंट के वगैरह जो भी लॉयर्स रहते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट के सर्वेंट्स रहते हैं, ये उनके लिए स्पेशल हो सकती है और उनका स्पेशल यूज़ हो सकता है इस वजह से। और इसका एक मैनुअल मोड भी रहेगा जहाँ पर आप एडवेंचरस चीज़ें जो है इसमें वो भी कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको इस जो भी फ्लाइंग टैक्सी है उसमें मिलती है। तो अभी डिज़ाइन और इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैंने इसका नाम बता दिया, इसका नाम है X2 मॉडल नाम। तो ये कंपनी एक चाइना बेस्ड है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा ये जो भी इसका जो भी कैबिनेट वगैरह है, वो एक कार्बन फाइबर बॉडी है। हाँ दोस्तों, तो कार्बन फाइबर बॉडी से जो है इसका पूरा जो भी शेल वगैरह है, आप देख सकते हैं इमेज में, वो इस प्रकार है। तो काफ़ी लाइट वेट है ये और ज़्यादा वेट है नहीं इसका, तो उड़ने में भी इसको काफ़ी आसानी होती है। इसके अलावा इसका जो भी सीटिंग है वो 2-सीटर, मतलब इसमें सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। और इसका लुक आप देख सकते हैं, एकदम जो भी साइफाई मूवीज़ में आप देखते हो, एक उड़न तश्तरी उड़ के इस तरफ जाती है उस तरफ जाती है, वैसे ही है। तो ये एक उड़न तश्तरी की तरह ही है। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा इसका डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा लुक देता है इसको। तो देखते हैं अभी आगे और क्या इम्प्रूवमेंट होती है। और ये जो है वो बेसिकली इस कंपनी का 5th जनरेशन मॉडल है। इससे पहले उन्होंने मॉडल बनाए थे तो वो कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे। तो ये 5th जनरेशन मॉडल है और इसके आगे भी आपको मॉडल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और सबसे मेन बात ये है कि ये बिल्कुल कार्बन एमिशन के खिलाफ है। हाँ दोस्तों, इसमें कार्बन एमिशन बिल्कुल भी नहीं है और ये नेचर फ्रेंडली है, मतलब इसमें कोई भी ज़्यादा फ्यूल यूज़ नहीं होता है, कोई भी ज़्यादा गैस वगैरह नहीं निकालती है, तो नेचर को कोई भी हानि नहीं पहुँचती। और ये ग्रीन गैस जो भी, ग्रीन हाउस गैस जो भी इफेक्ट होता है, जिसमें ग्लोबल एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जाता है, ये स्पेशली उस चीज़ को सपोर्ट करता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इसमें भी कोई ज़्यादा इसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये फ्लाई भी करती है इस जगह से उस जगह तक, तो नेचर को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है उन लोग ने। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग और इसके अवेलेबिलिटी की बात करूँ, तो ये कुछ भी अभी फाइनल नहीं है, उन्होंने कहा है ये फ़िलहाल हम लोग अच्छे तरीके से टेस्ट करेंगे। अभी तो सक्सेसफुल हो गया है टेस्ट वगैरह, लेकिन उनका जो कहना है कि उनका 6th जनरेशन जब भी आएगा, मतलब इसके बाद में एक और वेरियंट आएगा, वो करीब करीब 2024 में ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा इसकी जो प्राइसिंग होगी वो करीब करीब 156
लाख डॉलर्स होगी, मतलब देखा जाए तो करीब 1.12 करोड़ के आसपास। हाँ दोस्तों, इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस होगी। और देखते हैं, ये जब लॉन्च होगा तभी हमको पता चलेगा ऑफिशियली, और इंडिया में तो पता नहीं कब आएगा। लेकिन अभी मैं आपको डिटेल में एक चीज़ बताता हूँ कि इनकी जो है स्पेसिफिक कुछ और चीज़ें रहती है, मतलब जो ये भी फ्लाइंग टैक्सी जो भी मैंने आपको नाम दिखाया था ई बोल्ट करके जो भी है, तो इसको जो है परमिशन नहीं रहती है। अभी तक उनको परमिशन नहीं मिली है। अगर उनको परमिशन मिल भी जाती है तो उनको फ्लाई करने की भी परमिशन नहीं रहती है ऊपर हवा में, क्योंकि ऐसी अभी तक कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं आई है। तो ये चीज़ की वजह से उनका जो भी काम है वो रुक रहा है। तो ये चीज़ भी लोगों का ध्यान में रखने की, इतनी जल्दी तो आपको फ्लाइंग टैक्सी देखने को नहीं मिलेगी। जब काफ़ी सारी कंपनीज फ्लाइंग टैक्सी लेकर आएंगे, काफ़ी ज़्यादा पेटेंट्स निकलेंगे और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी हो जाएगा, तभी जो है हमको कुछ नए रूल्स देखने को मिलेंगे। मतलब इसकी जब भी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तभी रूल्स देखने को मिलेंगे कि हाँ आप फ्लाइंग टैक्सी उड़ा सकते हो, लेकिन इतनी इतनी लिमिट रहेगी और इतनी इतनी तरह से आप इसको चला सकते हो। तो ये चीज़ें है, आप ऐसे ही फ्लाइंग टैक्सी को लेकर बनाकर उड़ाकर दूसरी जगह पर लैंड कर ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं तो उनको भी आप वायलेट करते हो। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। तो देखते हैं ये जो रूल्स रेगुलेशंस कब तक लगते हैं, कब तक हमको फ्लाइंग टैक्सी देखने को मिलता है। अभी बहुत ज़्यादा समय है, इतना ज़्यादा हवे में उड़ना मत, आपको टाइम लगेगा, करीब करीब 10 साल तक जाएंगे। हाँ दोस्तों, ये सच बात है, क्योंकि वहाँ पर तो चाइना में एक 5 साल में हो जाएंगे, लेकिन इंडिया में करीब 10-15 साल लगेंगे ये चीज़ों को आने में। तो देखते हैं कब तक चीज़ें होती है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर से बता देना। वैसे कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन जो भी चीज़ें देखा तो बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा कि जाकर बैठूँ और मैं भी वो चलाऊँ। तो देखते हैं इसके बारे में क्या सोचते हैं लोग, कमेंट करके ज़रूर से बता देना। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मैं आपको मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन, ग्रेट डे टू यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।